भोपाल से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सारे पूर्व मंत्री बंगले खाली करने को तैयार है, लेकिन सरकार हमें अल्टीमेटम तो दे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। 14 जो चुनाव लड़ने वाले हैं, 14 उसमें से 14 हैं, और 14 में से ही बीजेपी लगेगी, 8-10 हार जाए तो अपने मंत्रियों को एडजस्ट कर देंगे। सर, आधे से ज्यादा जो मंत्री बनाए गए उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, आधे से ज्यादा मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन ये और अपराध करेंगे ये, लेकिन अब मामले दर्ज नहीं होंगे। अभी चल रहा है रेत का पूरा घमासान। होशंगाबाद में बैन लगा है एनजीटी का, लेकिन होशंगाबाद बुधनी अवैध करना चल रहा है। अभी आग लगा दी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो पोस्ट थी उसके ऊपर, और रोज अवैध उत्खनन। कमलनाथ जी ने बैन लगाया था कि नर्मदा जी में मशीन नहीं चलेगी, वो मशीनें चल रही हैं अभी आज की तारीख में चल रही हैं, जिसके आ रहे हैं वीडियोस। तो ये सब अपराध की तो भाई, ये सत्ता के लिए पूरा गठबंधन हुआ है, और सत्ता में आकर इस तरह के जो अपराध, जो इकोनॉमिक अपराध, उसकी फहरिस्त दिखेगी आपको चांद। और दूसरी तरफ कोरोना पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोरोना में 4 डेथ फिर हो गई मध्य प्रदेश में। आज आया कि इंदौर में आंकड़े गलत बताए गए थे, और एक अस्पताल का डॉक्टर और पूरे लोग उसमें संक्रमण में आ गए कोरोना के। कोरोना की तरफ ध्यान नहीं है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश की बात करें तो अमेरिका, ब्राज़ील के बाद हिंदुस्तान का नंबर है, लेकिन जनता पे छोड़ दिया कि खुद बचो, और अगर आपको संक्रमण हो जाता है तो अपना इलाज कराइए। बाकी सरकार का कोरोना से कोई लेना देना नहीं, इस पर पूरी तरह से ध्यान हटा दिया। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रही है, कहीं जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन 2 के जो नियम बनाए उनका, और सब चीज़ें खोल दी। लेकिन जो मैंने जैसा पहले बताया कि जिम, भाई जहाँ अगर जिम में ये कहा जाता है कि आदमी की इम्यूनिटी बढ़े, ये तो जिम से ही बढ़ेगी ना। जो पहले खोलना चाहिए था उसको अभी तो खोला नहीं है, इसलिए मेरी मांग है कि उनको भी खोला जाए। फिर एक बार मांग कर रहा हूँ मैं, जो बार बार कहा, रोड पे गाड़ी चली नहीं, वो 3 महीने का रोड टैक्स लॉकडाउन का माफ़ होना चाहिए। जो फिक्स चार्जेस बिजली के होते हैं वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि संस्थान बंद थे, दुकान बंद थी, और लॉकडाउन पीरियड की जो बच्चों की फीस है ये माफ़ होना चाहिए। ये हमारी लगातार मांग है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको अभी भी राशन बटे, क्योंकि उनके पास अभी भी काम या रोज़गार नहीं है। ये लगातार मांग मैं करते आ रहा हूँ, और जिम खोले जाएं ये हमारी मांग है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।